हेलो फ्रेंड्स, उम्मीद करते हैं कि आप लोग सब अच्छे से होंगे। तो यहाँ इंग्लैंड में 18 जून से बड़ा एक्साइटिंग मैच है, टेस्ट मैच है, वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप्स का फाइनल बिटवीन इंडिया एंड न्यूजीलैंड इन साउथहैम्पटन। तो ये पहली बार हो रहा है कि वर्ल्ड चैम्पियनशिप्स ऑफ टेस्ट क्रिकेट हो रही है, और ये करीब 2 साल से चल रहा था जब एक सब टीम एक दूसरे से खेल रही थी और पॉइंट मिल रहा था, और अल्टीमेटली इंडिया और न्यूजीलैंड फाइनल में पहुँच गया है। तो ये टेस्ट मैच जो साउथहैम्पटन में है, ये डिसाइड करेगा कि हु इज़ द वर्ल्ड चैम्पियन ऑफ टेस्ट क्रिकेट। तो देखिए, इंडिया लास्ट 3 साल में शायद हर बार नंबर वन रहा है टेस्ट में, लेकिन ये टेस्ट चैम्पियनशिप अगर इंडिया जीत जाता है तो ये एक पूरा स्टैम्प लग जाएगा कि इंडिया हैज़ बीन द बेस्ट टीम इन द लास्ट 3-4 ईयर्स, विच इज़ अ फैक्ट। बट इफ दे फॉर इट टू बी रियली टू प्रूव इट टू द वर्ल्ड, दे हैव टू विन इट। और विराट कोहली और इनकी जो पार्टनरशिप है रवि शास्त्री की, अभी तक इन लोग कोई आईसीसी टूर्नामेंट नहीं जीते हैं, तो ये बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है उनके लिए भी कि एक आईसीसी टूर्नामेंट जीत जाए। तो आज एनालाइज करते हैं कि दोनों टीम का किसका पलड़ा भारी है, और सारे एंगल से देखा जाए कि रियलिस्टिकली स्पीकिंग विच टीम हैज़ अ एज इन दिस मैच। बिकॉज इंडिया टीम का तो बहुत काफ़ी हाइप है, और सही भी है, क्योंकि इंडिया हैज़ बिन डोमिनेटिंग फॉर द लास्ट 2-3 ईयर्स। बट गिवन द कंडीशंस, गिवन एवरीथिंग एल्स, हु हैज़ द एज इन दिस मैच? तो लेट अस लुक एट दैट। सबसे पहले देखते हैं कि टीम्स क्या है। तो देखिए, इंडिया की जो टीम है वो मोस्ट प्रोबेबली द ओपनिंग विल बी डन बाई रोहित शर्मा एंड शुभमन गिल, मोस्ट प्रोबेबली। उसके बाद हैं आप हमारे विराट कोहली, पुजारा, रहाणे, विहारी, डिपेंडिंग ऑन यू नो वेदर क्या कॉम्बिनेशन होगा, विहारी या तो खेलेगा या नहीं खेलेगा, पंत विकेट कीपर, देन वी हैव रवि जडेजा, बुमराह, शामी एंड देन ईशांत और सिराज। तो ये सारे, इसमें से डिपेंडिंग ऑन द कंडीशन ऑब्वियसली दे विल टेक 11 आउट ऑफ दिस, बट यू नो दिस शुड बी मोर और लेस द टीम इंडिया की। इंडिया और भी प्लेयर्स लेके गया है, 20 प्लेयर इंडिया लेके गया है, क्योंकि इसके बाद 5 टेस्ट मैच और खेलना है इंग्लैंड से। ये जो मैच है साउथहैम्पटन में, इसके बाद 40 डेज के लिए इंडिया टीम इंग्लैंड में ही रहेगी, एंड दे विल प्ले 5 टेस्ट मैचेस इन ऑगस्ट एंड सेप्टेम्बर अगेंस्ट इंग्लैंड। तो कॉम्बिनेशन चेंज भी हो सकता है, लेकिन मोर और लेस यही टीम रहना चाहिए। इसमें इधर उधर एक दो लोग इधर उधर होंगे। अच्छा, आप देखते हैं न्यूजीलैंड। तो न्यूजीलैंड के ओपनर्स हैं हमारे टॉम लेथम, एंड ये जो नया बंदा आया है डेवन कॉनवॉय, जिसने आते ही अपने डेब्यू मैच में, जो मैच अभी चल रहा है लॉर्ड्स में, उसमें डबल सेंचुरी बना दिया है। केन विलियमसन कैप्टन, देन वी हैव रॉस टेलर, हेनरी निकॉल्स, वॉटलिंग विकेट कीपर है, डी ग्रैंडहोम ऑलराउंडर है, मिचेल सैंटनर इज द स्पिनर, एंड देन वी हैव काइल जेमिसन, टिम साउदी एंड वैगनर। लेकिन बोल्ट इस मैच में नहीं खेल रहा है अभी, जो लॉर्ड्स में हो रहा है, क्योंकि वो क्वारंटीन कर रहा है समथिंग, बट बोल्ट विल बी बैक। सो बेसिकली दे विल हैव अ वेरी फॉर्मेडेबल यू नो पेस एंड अ सीम अटैक ऑफ बोल्ट, साउदी, वैगनर, जेमिसन। अब चारों को खिलाते हैं कि नहीं, ये तो देखना पड़ेगा, बट दे हैव अ रियली फॉर्मिडेबल यू नो पेस अटैक। अच्छा, इसमें हम शायद मिस मिस कर गए इंडिया टीम में अश्विन को, अश्विन, या सो इंडिया, रोहित शर्मा, शुभमन गिल, कोहली, पुजारा, रहाणे, विहारी, पंत, जडेजा, बुमराह, अश्विन, शामी, ईशांत, सिराज, इसमें से 11 सेलेक्ट होंगे। तो ये है दोनों टीम, और अगर टीम को देखा जाए स्टैटिस्टिकली, कंपेयर किया जाए मैन टू मैन, तब भी इट इज कम्स वेरी क्लोज टू ईच अदर। मे बी इंडिया विल हैव अ स्लाइट एज, बट देन अगर आप देखें न्यूजीलैंड को, तो केन विलियमसन अभी वर्ल्ड का नंबर वन बैट्समैन है, उसका ही हैज़ ऑलमोस्ट द सेम अमाउंट ऑफ रन एज विराट कोहली इन लेसर नंबर ऑफ मैचेस, एंड ही हैज़ अ बेटर एवरेज देन कोहली। रॉस टेलर जो है, ही हैज़ प्लेड 106 टेस्ट मैचेस,
7,000 प्लस रन है एट एवरेज ऑफ 45, और वनडे में उसका एवरेज है 48। तो रॉस टेलर भी बहुत बड़ा प्लेयर है, लेकिन शायद उतना नाम नहीं इसका। फिर आपको ये जो है वॉटलिंग विकेट कीपर, उसने भी डबल 100 बनाया इंडिया के अगेंस्ट ही शायद। इनका लेथम का भी रिकॉर्ड अच्छा है, हेनरी निकॉल्स का भी ठीक ठाक रिकॉर्ड है। और उसके बाद अगर बॉलिंग देखा जाए इनकी, तो सीम अटैक में तो आई थिंक दे हैव एज ओवर इंडिया क्लियरली। सऊदी 300 विकेट्स, बोल्ट क्लोज टू 300 विकेट्स, और उसके बाद वैगनर भी कुछ 200 प्लस विकेट्स है। और ये जेमिसन जो है, ये तो बड़ा ही इस ही आई थिंक जेमिसन इज वन ऑफ द मोस्ट एक्साइटिंग प्लेयर्स यंगस्टर्स हु हैज कम इन। 6 फुट 5 इसकी हाइट है, और क्या जबरदस्त बॉलिंग करता है। मतलब इसका जो है बिल्कुल मैग्रा टाइप का लाइन लेंथ है, और बैटिंग भी इज वेरी गुड। इसका 7 टेस्ट मैचेस में ही हैज अ बैटिंग एवरेज ऑफ 45 एंड अ बॉलिंग एवरेज ऑफ 15। तो ये एक अमेजिंग टैलेंट है जेमिसन, और मार्क माई वर्ड्स, जेमिसन कैन बिकम अ हीरो इन दिस मैच। ओके, तो ये हो गई दोनों टीम। अब देखते हैं कि प्रिपरेशन क्या है दोनों का। देखिए, न्यूजीलैंड ऑलरेडी इंग्लैंड में है अभी, और ये 2 टेस्ट मैच इंग्लैंड से खेलेंगे बिफोर प्लेइंग इन साउथहैम्पटन अगेंस्ट इंडिया। तो इनका तो बड़ा अच्छा प्रिपरेशन हो रहा है। इंडिया ऑन द अदर हैंड, जबकि आईपीएल पहले आईपीएल वाज काइंड ऑफ यू नो सस्पेंडेड अर्ली, दे हैड टाइम, बट इंडिया हैज इज गेटिंग ओनली 5 डेज ऑफ प्रिपरेशन टाइम इन इंग्लैंड, ओनली 5 डेज बिकॉज ऑफ क्वारंटीन एंड ऑल दैट, सिर्फ 5 दिन। और इस बात को ध्यान में रखा जाए कि इंग्लैंड का कंडीशंस जो है वो इंडिया के लिए मैक्सिमम चैलेंज साबित हुआ है इन द लास्ट यू नो 10 ईयर्स और सो। इंडिया हैज लॉस्ट, द लास्ट टाइम इंग्लैंड इंडिया वन अ सीरीज इन इंग्लैंड वाज इन 2007। इस बात को ध्यान में रखा जाए कि इंडिया हैज फाउंड इंग्लिश कंडीशंस क्वाइट क्वाइट टफ एंड वेरी ट्रिकी, बिकॉज इंडियन बैट्समैन कभी भी स्विंग खेलने में प्रॉब्लम है। तो इंडिया, लास्ट टाइम इंडिया वन अ सीरीज इन इंग्लैंड वॉज इन 2007। दे हैव लॉस्ट 4-0 इन 2011, आई थिंक। उसके बाद 2014 में दे लॉस्ट 2-1 और 3-1। उसके बाद 2018 में आई थिंक दे लॉस्ट 4-1 आई गेस। तो दे हैव बीन कंसिस्टेंटली लूजिंग टू इंग्लैंड इन दीज लास्ट 3 सीरीज एंड सम ऑफ द मैचेस क्वाइट बैडली। और सिमिलर इज द केस विथ इंडिया इन न्यूजीलैंड, क्योंकि न्यूजीलैंड में भी इंडिया लास्ट सीरीज जीता था 2009 में, उसके बाद वो हारता है। और 2019 में दे वेर वाइट वॉश्ड, दे लॉस्ट बोथ द मैचेस वेरी बैडली टू न्यूजीलैंड इन न्यूजीलैंड। ऑफकोर्स इंडिया में इंडिया जीता भी है, इनको बुरी तरह से हराया है, लेकिन हम इसलिए इसका जिक्र कर रहे हैं इंग्लैंड में और साउथ न्यूजीलैंड में, बिकॉज जो कंडीशंस है, एक तो ये मैच इंग्लैंड में हो रहा है, और दूसरी बात ये कि न्यूजीलैंड के लिए ये कंडीशंस बहुत सिमिलर हैं, बिकॉज दिस इज द काइंड ऑफ पिचेस एंड कंडीशंस दे प्ले इन न्यूजीलैंड एज वेल। तो प्रिपरेशन जो है इनका तो बहुत अच्छा हो रहा है न्यूजीलैंड का, लेकिन इंडिया सिर्फ 5 डेज प्रिपरेशन है जो वो साउथहैम्पटन में करेंगे शायद। तो ये तो बहुत ही, दे विल बी ग्रॉसली अनप्रिपेयर्ड। और इसके बाद, इस टेस्ट मैच के बाद इंडिया 40 डेज प्रिपरेशन कर रहा है 5 टेस्ट सीरीज जो इंग्लैंड के साथ है उसके लिए। तो उसके लिए तो बहुत अच्छा प्रिपरेशन हो रहा है, लेकिन वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप्स के मैच के लिए प्रिपरेशन बिल्कुल, दिस इज अ दे विल बी ग्रॉसली अनप्रिपेयर्ड आई थिंक। एंड स्पेशली पिछले करीब इंग्लैंड की जो सीरीज हुई थी इंडिया में, उसके बाद से तो बस आईपीएल हुआ है, और फिर आईपीएल भी सस्पेंड हो गया, तो मोस्ट ऑफ द प्लेयर्स ने उतना खेला ही नहीं है। एंड 2-3 प्लेयर्स आर कमिंग बैक आफ्टर द सीरीज अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया, जैसे शामी जिनको चोट लग गई थी, उसके बाद जडेजा जिसका कि फिंगर फ्रैक्चर हो गया था, विहारी हु हैड इंजरी। सो दीज 3 पीपल आर कमिंग बैक। तो आई थिंक इंडिया ने ये 5 दिन का ही प्रिपरेशन टाइम क्यों रखा है हमको समझ में नहीं आ रहा। कुछ लोगों ने कहा कि मे बी बिकॉज इतना दिन से ये बबल में रहे, तो दे वॉन्टेड टू स्पेंड सम टाइम विद देयर फैमिलीज। ठीक है, दैट कैन बी अंडरस्टूड, बट देन दैट मीन्स के आपको वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप जीतने में उतना इंटरेस्ट नहीं है शायद, मतलब ऐसा लग रहा है। क्योंकि अगर होता तो कम से कम 10 दिन का तो प्रिपरेशन रखते आप इंग्लैंड में, क्योंकि इंग्लिश कंडीशंस बहुत ही डिफरेंट है, और यहाँ बॉल इतनी स्विंग करती है, ट्रेडिशनली
इंडियन बैट्समैन हैव हैड प्रॉब्लम्स अगेंस्ट द स्विंगिंग बॉल। ये तो पिछले 10 साल का रिकॉर्ड उठा के देख लीजिए। व्हाई दे हैव डन दिस? आई थिंक आई डोंट नो, बिकॉज बीसीसीआई तो सारा शेड्यूल डिक्टेट कर सकता है, चेंज करा सकता है शेड्यूल, तो ऐसा क्यों नहीं हुआ? जब आप आईपीएल का शेड्यूल को लेके और आईपीएल बाकी आईपीएल कहाँ होगा इसको लेके इतना सीरियस हैं और इतना ज़्यादा प्रिपरेशन कर रहे हैं, इतना टाइम दे रहे हैं इस पे, तो इस पे क्यों नहीं? खैर, अब आ जाते हैं। अच्छा, इंग्लैंड में जो इंडियन बैट्समैन का परफॉर्मेंस रहा है पिछले कुछ सालों में, उसमें विराट कोहली ने 2018 में 600 के करीब रन बनाया था, तो ही प्लेड रियली वेल, बट ही फेल्ड बैडली इन 2014। और रहाणे ने भी एक 2014 में ही मेड 100 इन लॉर्ड्स। पुजारा प्लेड ऑल्सो वेल इन 2018। बट जनरली अगर आप देखिए कि इंडियन लाइनअप को, तो अगर इफ यू आर ओपनिंग में शुभमन गिल एंड रोहित शर्मा, इनका इंग्लैंड में कुछ तो, रोहित शर्मा गिल का तो, शुभमन गिल तो अभी नया नया है, इसका कोई एक्सपीरियंस नहीं है कोई खास, और रोहित शर्मा का भी इंग्लैंड में कोई खास परफॉर्मेंस रहा नहीं है, तो हम ओपनिंग में ही एक होल दिखाई दे रहा है। और इनको प्रॉपर प्रैक्टिस चाहिए थी, बट दे आर नॉट गेटिंग द प्रैक्टिस नाउ। अच्छा, अब आ जाते हैं कि साउथहैम्प्टन, 18 जून के अराउंड साउथहैम्प्टन का वेदर कैसा रहेगा, बिकॉज वेदर पे बहुत कुछ डिपेंड करता है। अगर वेदर थोड़ा रेनी रहा तो बॉल ज़्यादा स्विंग करेगी, देन यू नो ऑल दीज गाइज लाइक वैगनर, बोल्ट, साउदी एंड जेमिसन आर गोइंग टू कम इन टू देयर ओन एंड दे कैन बिकम अ हैंडफुल फॉर इंडिया। तो जहाँ तक हमको पता है कि साउथहैम्प्टन में रेन का फोरकास्ट है, और लेकिन अगर साउथहैम्प्टन में उस टाइम में सनी होता है वेदर, तो शायद इंडिया के लिए कुछ एडवांटेज हो कि वो कुछ स्पिनर खिला सकता है वहाँ पे। आई थिंक दे कैन गो विथ जडेजा एंड अश्विन बोथ और समथिंग लाइक दैट। वो तो वेदर पे काफ़ी कुछ डिपेंड करेगा, बट ऑल एंड ऑल आई थिंक यहाँ इंग्लैंड में गर्मी तो जुलाई के सेकेंड हाफ में और अगस्त में प्रॉपर शुरू होती है, तो जून में उतनी गर्मी नहीं रहेगी, और इट विल बी एडवांटेजियस फॉर न्यूजीलैंड आई गेस, बिकॉज दे आर यूज टू दीज कंडीशंस। अच्छा, ये जो मैच है वो ड्यूक बॉल से खेला जा रहा है, ड्यूक, इंडियन पेसर्स आर यूज टू बॉलिंग विद एसजी बॉल, तो ये ड्यूक बॉल से न्यूजीलैंड वाले लोग ज़्यादा फैमिलियर हैं, तो वहाँ भी इंडिया के लिए एक डिसएडवांटेज है। अच्छा, और एक बात कि 2019 वर्ल्ड कप सेमीफाइनल में, जो कि इंग्लैंड में ही हुआ था, वर्ल्ड कप मीन्स आई मीन द 50 ओवर वर्ल्ड कप, द वन डे वर्ल्ड कप, इंडिया लॉस्ट टू न्यूजीलैंड, तो वो भी बैक ऑफ द माइंड में होगा, क्योंकि दैट वॉज अ वेरी वेरी बैड लॉस फॉर कोहली एंड रवि शास्त्री, बिकॉज इंडिया वॉज बाई फार द बेस्ट टीम इन द टूर्नामेंट, बट दे लॉस्ट टू न्यूजीलैंड। और उस मैच में भी आपको याद होगा कि बारिश हो गई थी और फिर मैच नेक्स्ट डे हुआ था, तो इन दोज कंडीशंस एंड इन दैट मैच इंडिया वॉज रिड्यूस टू 3 डाउन फॉर 1 रन और समथिंग, राइट? 3 विकेट गिर गया था, तो दैट इज़ व्हेन एवरीवन पैनिक्ड। तो ये बड़ा इम्पोर्टेंट है कि आप देखिए, बोल्ट, साउदी एंड वैगनर, ये लोग दे आर वेरी वेरी गुड इन दीज कंडीशंस, दे विल बी अ हैंडफुल। न्यूजीलैंड की टीम वो टीम अब नहीं रही जो कि आज से 10 15 20 साल पहले हुआ करती थी, जब एक दो उसमें वर्ल्ड क्लास प्लेयर थे, रिचर्ड हैडली एंड मार्टिन क्रो। अब इनके पास 5 6 वर्ल्ड क्लास प्लेयर हैं और एक भी प्लेयर को आप वीक नहीं बोल सकते हैं, और इस कंडीशन में तो दे विल बी वेरी वेरी यू नो डेंजरस फॉर इंडिया। नाउ अगर ये सारा एस्पेक्ट्स देखा जाए तो इट्स ऑल गोइंग अगेंस्ट इंडिया, राइट? लेकिन मे बी जो इंडियन फैंस हैं उनको तो लग रहा है, अरे इंडिया टीम तो भाई, इंडिया टीम को तो कोई हरा नहीं सकता, लेकिन भाई देखो जरा कंडीशन क्या है, और ये साउथहैम्प्टन है, इंग्लैंड है, आपका प्रिपरेशन इतना कम है, हमको तो क्लियर कट एज न्यूजीलैंड का लग रहा है इस मैच में। लेकिन नाउ वी हैव टू कम टू अनदर फैक्टर जो इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया में दिखाया, द स्पिरिट, इतनी ज़बरदस्त फाइटिंग स्पिरिट दिखाया इंडिया ने, क्योंकि अगर वहाँ पे आप मैन टू मैन कंपैरिजन करें टीम्स का, और जिस तरह से इंडिया सारी मोस्ट ऑफ द पीपल 7 8 जो फर्स्ट चॉइस प्लेयर्स थे वो इंजर्ड हो गए थे,
तो इट वाज काइंड ऑफ 80% 75-80% इन फेवर ऑफ ऑस्ट्रेलिया, बट स्टिल इंडिया वन। बट देन एक चीज हम बोलेंगे जो कुछ लोगों को बुरी भी लग रही है, जब हम बोलते हैं तो बुरी लगती है, कि द कैप्टन देयर वाज रहाणे नॉट कोहली, राइट? इससे ज्यादा हम नहीं बोलेंगे। तो देखिए, आई वॉन्ट इंडिया टू विन दिस मैच बिकॉज इंडिया डिजर्व्स टू विन। इंडिया हैज बीन द बेस्ट टीम इन द लास्ट 2-3 ईयर्स, और इंडिया के लिए थोड़ा बैड लक है कि ऐसे कंडीशन में उनको खेलना पड़ा है जो कि उनके लिए थोड़ा एलियन कंडीशन है, थोड़ा नहीं काफी एलियन कंडीशन है, मतलब डिफिकल्ट कंडीशन है। तो ये थोड़ा लक न्यूजीलैंड के फेवर में चला गया, एंड इंडिया कैन ओवरकम इट, नो डाउट दे हैव द प्लेयर्स, दे हैव द एक्सपीरियंस टू डू दैट, बट इट्स गोइंग टू बी एन अपहिल टास्क, और इंडिया विल हैव टू शो द स्पिरिट दे शोड इन ऑस्ट्रेलिया टू विन दिस। इन फैक्ट टू कंक्लूड, गिवन ऑल द एनालिसिस वी हैव डन, हमको ऐसा लगता है कि न्यूजीलैंड हैज अ क्लियर कट एज इन दिस मैच, और दे इट लुक्स लाइक राइट नाउ दे इट इज 60% to 40% इन फेवर ऑफ न्यूजीलैंड। ऑफकोर्स इंडिया इंडिया विल कैन बीट दोज ऑड्स, बट लेट अस सी, इट्स गोइंग टू बी अ रियली इंटरेस्टिंग मैच, एंड आई विल बी ग्लूड, आई विल बी वॉचिंग दैट मैच एज यू ऑल विल बी, आई होप। तो अगर मेरा ब्लॉग्स आपको पसंद आ रहा है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। ओके देन।